इस वीडियो में मैं आप सभी को मर्डरर लाइन के बारे में बता रहा हूँ, यानी कि जो भी ऐसे लोग जो मर्डर करते हैं अपने लाइफ में और बहुत ही गैंगस्टर टाइप के होते हैं, उनके बारे में हम कैसे पता करें हाथों को देखकर। मैं रैपर नहीं गैंगस्टर, ऐसा मत करो मेरी जान। तो सबसे पहला, अगर आपका ये हेडलाइन पहला कॉम्बिनेशन है, ये आपका हेडलाइन है, अगर ये आपका फ्रॉम मार्स स्टार्ट हो, मतलब इस एरिया से अगर आपका मस्तिष्क रेखा निकलती है और ये किसी भी तरीके से हार्ट लाइन को कट कर देती है, तो आपका जो इंक्लिनेशन होगा वो पैसे की तरफ ज़्यादा होगा। और ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तो ऐसे लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ट्रैवलिंग ज़्यादा करते हैं और गलत रास्ते पर ज़्यादा चलते हैं और खूनी प्रवृत्ति के होते हैं और ईर्ष्यालु होते हैं। दूसरा इंडिकेशन, अगर आपका लाइफ लाइन है और हेडलाइन ये दोनों साथ में स्टार्ट होता है, यहाँ पर सेपरेट है लेकिन एक साथ ज्वाइन होकर ये निकले दोनों रेखा, तो आपके जीवन में आप ऑब्स्टेकल को दूर करते हो, आप अपने रियलिटी से बहुत ही अधिक केयरफुल रहते हो, आप धैर्य बनाकर और राजनीतिक तरीके से चलते हो। ऐसे लोगों के फ्रेंड सर्कल्स बहुत कम होते हैं और वही कम सर्कल्स वाले आपको किल करने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं, तो आप कहीं ना कहीं मर्डरर लाइन के ही अंडर में आ जाओगे। तीसरा, अगर आपका फेट लाइन है, अगर ये सनी माउंट के नीचे यहाँ के मतलब स्टॉप हो जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर किसी भी तरीके के क्रॉस का भी साइन है, तो ये दर्शाता है कि आपकी जो डेथ है वो क्रिमिनल लोगों के द्वारा ही होगी और क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व रहते हो, आपकी जो मौत है वो बहुत ही अधिक दर्दनाक होती है, मे बी आपको कोई फांसी पर लटका दे या ऐसा। वैसे मैं नेगेटिव प्रिडिक्शंस नहीं करता हूँ, लेकिन ये टॉपिक मर्डर लाइंस का है, तो ऐसे लोगों से आपको सतर्क रहना है और अपना भी ध्यान रखना है। अगर आपके लाइन में थंब का जो पार्ट है, थंब का टॉप मोस्ट पार्ट अगर ये स्वेलोड है, मतलब थोड़ा सा फूला हुआ कुछ ज़्यादा है, तो आप किसी खास चीज़ को लेकर दूसरे व्यक्ति को मार भी सकते हो। ऐसे व्यक्ति किसी को भी मतलब मारने में आतुर हो जाते हैं। इनका जो है वो एनिमलिस्टिक बिहेवियर होता है, मतलब ऐसे लोग इंसानियत की तरह नहीं जीते, जानवरों की तरह इनका कैरेक्टर होता है। इनके इमोशंस पर किसी भी तरीके का कंट्रोल नहीं होगा, एंगर बहुत ज़्यादा होते हैं, तुरंत ही भड़क जाते हैं और समाज को भड़काने का काम करते हैं, जिनका टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द थंब जो है वो स्वेलोड होता है। इन सभी रेखाओं के बाद यदि आपका शुक्र पर्वत भी काफ़ी उठा हुआ है, मतलब एक्सेसिव ही ज़्यादा उठा हुआ है, तो आप ओवर ड्रिंकिंग, सेक्सुअल एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व होगे, खाने पीने के ज़्यादा शौकीन होगे, और आपका जो कनेक्शन होगा वो क्रिमिनल कनेक्शन होगा, बिजनेस ओरिएंटेड हो जाओगे और फिर आप कुछ भी करने के लिए कुछ भी कर जाओगे। अगर आपका आउटर माउंट ऑफ मार्स, यानी कि इस रीज़न में, यानी कि चंद्रमा पर्वत के ठीक ऊपर का ये जो रीज़न है, ये अगर आपका ओवर डेवलप है, तो आप ब्रेव होगे, फियरलेस होगे और क्रिमिनल एक्टिविटी, एंटी सोशल एक्टिविटी में मोस्टली देखने को मिलता है। अगर ये पार्ट रेडिस भी है तो आप अपने टेंपर को लॉस्ट कर जाते हैं, दे कैन लूज देयर टेंपर एंड बिकम वायलेंट, और जब इनको अगर कुछ ऐसा अल्कोहल या कुछ ऐसा ड्रिंक्स दिया जाए तो कुछ ज़्यादा ही ऐसे लोग एग्रेसिव हो जाते हैं। अगर आपका जो थंब का जो फिंगर है अगर वो स्पैटुलेटेड है, तो आप में टेंपर ज़्यादा होगा, आप एनिमल की तरह ब्रूटल होगे, आप में खुद में कंट्रोल नहीं होता है, और ऐसे लोगों का जो हाथ है वो बहुत ही हार्ड एंड थिक होता है। अगर आपका जुपिटर, ये जुपिटर का फिंगर है, इंडेक्स फिंगर है, अगर इसका जो पहला पार्ट है ये अगर शॉर्ट हो इन कंपेरिजन टू दिस एंड दिस, ये तो ऐसे लोग प्रिजन का चक्कर ज़रूर काटते हैं, जेल अवश्य जाते हैं। ऐसे लोग थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, थोड़ा पागल टाइप के होते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत ही कम उम्र से ही किसी का मर्डर करना या गलत काम या हाइपर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में अटेंशन की भी कमी होती है। अगर किन्हीं का यह सेकेंड पार्ट काफ़ी बड़ा है, बाई 1/2 इंच, तो आप भी मर्डरर
के श्रेणी में ही आ सकते हो। अगर आपका हार्टलाइन और हेडलाइन शॉर्ट लेंथ का है और किसी भी तरीके का स्टार मार्क फाउंड होता है आपका इंडेक्स फिंगर के थर्ड पार्ट में और वहाँ पर बिग क्रॉस भी होता है तो भी इंडिकेट करता है कि आप थोड़े से नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं जीते होगे, आप में थोड़ा सा एनिमल बिहेवियर और दूसरों के प्रति थोड़ा सा ईर्ष्या ये सब की भावना ज़्यादा होती है। तो ऐसे लोगों से आपको सतर्क रहना है और जिनके हाथों में ये है वो अपने आदतों पर ध्यान दें, अपने बिहेवियर को अच्छा बनाएं। लाइफ में कुछ अच्छा करो यार।